दी प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो कॉलम में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है वो होने जा रहे हैं। पहली चीज कि 11 से 15 मई के बीच एक व्याख्यानमाला आयोजित की जा रही है, जिसका कि अंतिम समापन भाषण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का होगा। इस व्याख्यानमाला में श्री श्री रविशंकर जो है, जग्गी वासुदेव जी और इस प्रकार के लगभग आधा दर्जन सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई हस्तियां रहेंगी। इस पूरी जो एक्सरसाइज है उसका जो लक्ष्य है वो है समाज में सकारात्मक माहौल तैयार करना। संघ ने जो सेवा कार्य जो है वो तो संघ की ओर से चलाई जा रहे हैं। पिछले साल भी लगभग 1,00,000 से ज़्यादा स्वयंसेवकों ने कोरोना की पहली वेव के दौरान स्वयंसेवकों ने, जैसे मैंने बताया, कि सेवा कार्य चलाए थे। लेकिन इस साल सेवा कार्य चलाने के साथ साथ एक संघ में इस बात का भी एहसास हुआ कि एक बड़ा नकारात्मक माहौल जो है वो समाज में बन गया, एक निराशा का माहौल बन गया है, क्योंकि संकट काफ़ी बड़ा है। लेकिन इस संकट को दूर करने के लिए सकारात्मक माहौल भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इसे जो है, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए संघ ने अब ये बीड़ा उठाया है कि समाज में सकारात्मक माहौल बनाया जाए। इसके लिए जो पहला कदम है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लेक्चर सीरीज होने जा रही है। ये लेक्चर सीरीज वैसे कोविड रिस्पॉन्स टीम नाम से एक संस्था का गठन दिल्ली में हुआ है, उसके बैनर तले हो रही है। इसमें संघ से प्रेरित संगठन जैसे सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठन तो हैं ही, इसके अलावा बहुत से जो इंडस्ट्री चैम्बर्स हैं जैसे फिक्की, CII और इसके अलावा अन्य जो संगठन हैं, औद्योगिक संगठन जैसे लघु उद्योग भारती, CIIT, साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी और ICWA जैसे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी जो एपेक्स बॉडीज हैं और लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, तो इस प्रकार के सभी आर्य समाज जो है, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, तो इस प्रकार के सभी सामाजिक, धार्मिक, प्रोफेशनल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेकर इसका गठन किया गया है। और इसके द्वारा ये पॉजिटिविटी अनलिमिटेड नाम से आयोजित की जा रही है यह श्रृंखला, जिसके अंदर की, जैसे मैंने आपको बताया, कि लगभग आधा दर्जन हस्तियाँ बोलेंगी और अंत में सरसंघचालक मोहन भागवत जी बोलेंगे। तो ये एक दिलचस्प होगा देखना कि उनका उद्बोधन राष्ट्र के नाम जो है वो कैसा रहता है। पिछले साल भी जब कोरोना की पहली वेव चल रही थी तो अक्षय तृतीया के अवसर पर उन्होंने इस प्रकार का अपना राष्ट्र के नाम उद्बोधन दिया था और उस समय भी उन्होंने कहा था कि समाज के सभी वर्गों को एक साथ मिलकर जो है वो काम करना होगा और तभी हम जो है इसका जो है संकट से पार पाएंगे। अब कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है और पहले से कहीं ज़्यादा संकट बड़ा दिख रहा है। ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि, और ऐसा लगता है कि सरसंघचालक जो हैं उनका, मोहन भागवत जी का संदेश यही होगा कि समाज में सकारात्मकता को बढ़ावा दिया जाए, जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो अच्छे रिलीफ वर्क हो रहे हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और एक डर, आतंक और भय का माहौल जो है वो ना बनाया जाए। और इसके अलावा संघ ने यह भी तय किया है कि उसके जो सेवा कार्य चल रहे हैं उनको जरा और विस्तार दिया जाए क्योंकि संकट काफ़ी बड़ा है। वैसे 29 अप्रैल तक की जो जानकारी हमारे पास आधिकारिक तौर पर, जो संघ के आंकड़े हैं उसके अनुसार, लगभग 43 प्रमुख शहरों में संघ के कोविड सेवा केंद्र जो है संघ के स्वयंसेवक चला रहे हैं। 219 स्थानों पर कोविड अस्पतालों में प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है और टीकाकरण हेतु 10,000 से अधिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया और लगभग 2,500 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो चलाए जा रहे हैं। अपने सेवा कार्यों को जो है वो करने के लिए संघ ने जो है वो आप कह सकते हैं कि 12 जो है वो फंक्शनल कैटेगरीज बनाई हैं, जिसमें कि मास्क वितरण है, ब्लड डोनेशन है, प्लाज्मा डोनेशन है, हेल्पलाइन है, फूड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और ख़ासकर जो वृद्ध लोग हैं उनके, जो बहुत सारे हम जानते हैं कि वृद्ध लोग जो है वो अकेले रहते हैं, तो उनकी मदद के लिए जगह जगह पर जो है वो हेल्पलाइन शुरू की गई हैं। और इसकी आधिकारिक जानकारी आपको सेवा भारती और VSK भारत जैसी वेबसाइट्स पर भी मिल सकती है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कि एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं इसकी जो है उसमें बहुत ज़्यादा ना जाते हुए मैं थोड़े से 2-3 उदाहरण आपको जो है वो इसके जो है दूंगा। जैसे कि
देश भर में गुजरात, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, मुंबई, पुणे, तेलंगाना, जयपुर, देवगिरी, नागपुर आदि लगभग हर शहर में अब जो है कोविड केयर सेंटर्स और कोविड आइसोलेशन सेंटर्स जो है वो चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से एक उदाहरण है कि पुणे में 600 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया, जिससे कि 1500 लोगों की जो है वो जान बची। केरल में एक निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा संचालित की जा रही है। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण काम जो किया जा रहा है कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो कोविड-19 के कारण देहांत हुआ है, तो ऐसे लोगों के अंतिम संस्कार में भी कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है आ रही है। तो ऐसे में इस कार्य में मदद करने के लिए पुणे, सौराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न स्थानों पर मुक्ति धाम में स्वयं सेवक कार्य करें। इसमें एक जो प्रेरणा नहीं की बात ही एक कहना चाहिए कि कच्छ में, गुजरात में राष्ट्र सेविका समिति की जो महिला कार्यकर्ता हैं वे भी मुक्ति धाम में सेवा कार्य व सहयोग कर रही हैं। ऐसी कई जगहों पर केवल पुरुष ही नहीं, जो महिला कार्यकर्ता भी हैं संघ से प्रेरित संगठनों के, वे जो है इस पर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली में अब संघ की मदद से जो कार्य किए जा रहे हैं, और अब कोविड रिस्पांस टीम, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसके बैनर के तले जो है वो अब रिलीफ वर्क जो है एक कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड एफर्ट चलाया जा रहा है। तो इसके तहत अभी तक दिल्ली में 9 आइसोलेशन सेंटर्स की स्थापना की गई है, और इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन की सुविधा सहित लगभग 500 बेड की व्यवस्था इन 9 आइसोलेशन सेंटर्स में कुल मिलाकर हो चुकी है। लोगों को मौके पर ही ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, हम जानते हैं ऑक्सीजन का सबसे बड़ा संकट है, 7 मोबाइल ऑक्सीजन वैन संचालित की जा रही हैं, जिसमें हर वैन में 6 बेड्स हैं जिन पे की ऑक्सीजन की सुविधा है। और अब तक लगभग 28,000 परिवारों को जो है जो संक्रमित थे और उनको दिक्कत थी किसी कारण से भोजन की, तो उनको भोजन उपलब्ध कराया गया है। लगभग 3,500 जो है जो लोगों का देहांत हुआ, ऐसे 3,500 लोगों के अंतिम संस्कार में जो है जो दिक्कतें आ रही थी उसको दूर करते हुए स्वयं सेवकों ने मुक्तिधाम में जाकर मदद की, अंतिम संस्कार में उनके परिजनों को सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा कोविड रिस्पांस टीम, जिसे कि हम CRT भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म उसका, उसने एक हेल्पलाइन भी स्थापित की है, जिसके जरिए 1200 स्वयंसेवक तथा लगभग 130 डॉक्टर्स निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो है सेवा कार्यों के साथ साथ अब संघ का जोर समाज में सकारात्मक माहौल तैयार करने पर भी होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो श्रृंखला, व्याख्यान श्रृंखला होने जा रही है, ये उसकी तरफ पहला कदम है। इसमें संघ की सहभागिता है, और शायद इस प्रकार की जो है व्याख्यान श्रृंखलाएँ या इस प्रकार से जो है जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको जो है समाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करना और समाज के मनोबल को बढ़ाना, तो इस ओर अब संघ का एक बड़ा मेजर थ्रस्ट जो है आने वाले दिनों में रहेगा। आज के वीडियो कॉलम में इतना ही। आपको वीडियो कॉलम कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ अगले वीडियो कॉलम में। धन्यवाद।